अगर आप किसी होटल या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आपने कई बार वहाँ एसी के कम तापमान के चलते ठंड और दिक्कत महसूस की होगी, लेकिन अब अगर सरकार की चली तो ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार का मानना है कि एसी का इतना कम तापमान ना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है और ना ही बिजली के खर्चे के नज़रिए से। इसके लिए मोदी सरकार ने अब एक नायाब तरीका अपनाने का फैसला किया है। बिजली मंत्रालय ने फैसला किया है कि वो एसी बनाने वाली सभी कंपनियों और उन्हें इस्तेमाल करने वाले बड़े इमारतों को एक एडवाइजरी जारी करेगी। इस एडवाइजरी में एसी का डिफ़ॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखने की सलाह दी जाएगी। फिलहाल ये एडवाइजरी केवल सलाह के तौर पर जारी की जाएगी। बिजली मंत्रालय का कहना है कि इसे जागरूकता अभियान के तौर पर चलाया जाएगा, जिसे 4 से 6 महीने तक जारी रखा जाएगा। इसके बाद सरकार का इरादा लोगों से राय लेने के बाद इसे नियम बनाकर अनिवार्य बनाने का है। अनिवार्य बनाए जाने के बाद कोई भी एसी निर्माता एसी का डिफ़ॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रख पाएगा। सरकार जागरूकता अभियान के दौरान लोगों से भी अपील करेगी कि वे अपने अपने घरों में लगे एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखें। आपको बता दें कि एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस अनिवार्य रखने का नियम बनने के बाद इसे बड़े इमारतों जैसे एयरपोर्ट, होटल, शॉपिंग मॉल और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों जैसे बैंकों में लागू कर दिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।